हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप मजे कर रहे होंगे और खुश होंगे। तो वेलकम टू स्टोर के लिए, मैं हूँ ऋषभ और आज की जो वीडियो है वो है पहेलियों के ऊपर। जी हाँ, आप सभी कभी ना कभी पहेलियाँ जरूर सॉल्व किए होंगे और आप में से कुछ लोग तो होंगे जो पहेलियाँ सॉल्व करने में मास्टर होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आप में से कितने लोग हैं जो पहेलियाँ सॉल्व करने में मास्टर ही नहीं सुपर मास्टर हैं। और हाँ, एक बात आपसे करनी है, ये कि ये एक नया वीडियो है जो मैं आप पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, वो इसलिए कि मुझे इस चैनल पर कुछ नया दिखाना है, यानी कि कुछ आपको नया देना है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको सिंपल एक आई बटन का ऑप्शन दिख रहा होगा जहाँ पर आपको वोट करना है। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। तो आपको सिंपल क्या करना है कि यस और नो पर किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक करके वोट करना है। इसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि इसका और पार्ट बनाया जाए कि नहीं बनाऊ। तो चलिए, आप टाइम को ज्यादा और वेस्ट ना करके हम वीडियो पे आते हैं। नंबर वन, वह कौन है जिसका शरीर तो लाल है? वह कौन है जिसका शरीर तो लाल है लेकिन मुख काला होता है? सुबह से लेकर शाम तक वह पेपर्स खाता रहता है और शाम को उसके पेट में कोई हाथ डालकर सारा पेपर ले जाता है। आप बताओ क्या है वह चीज? चलिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आप मुझे कमेंट में बताइए। चलिए, आपका टाइम अब समाप्त हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या है। तो आंसर है पोस्ट बॉक्स। नंबर टू, वह क्या है जिसकी आंखों में अगर उंगली डालो तो अपना मुंह खोल देती है? वह क्या है जिसकी आंखों में अगर उंगली डालो तो अपना मुंह खोल देती है? बताओ आप क्या है वो? चलिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आप मुझे कमेंट में बताइए। चलिए, आपका टाइम हो गया है समाप्त। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या है। तो राइट आंसर है कैंची। नंबर थ्री, वह कौन है जिसके पास चार उंगलियां और एक अंगूठा है? वह कौन है जिसके पास चार उंगलियां और एक अंगूठा है लेकिन अगर उसकी किसी भी उंगली या अंगूठे को काट दिया जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता? आप बताओ क्या है वो चीज? चलिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आप मुझे कमेंट में बताइए। तो चलिए, आपका टाइम हो गया है समाप्त। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होता है। तो आंसर है दस्ताना। जी हाँ, जिसे हम ग्लव्स कहते हैं। नंबर फोर, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा बढ़ती ही रहती है लेकिन कभी घटती नहीं है? आप बताओ क्या है वो चीज? चलिए मैं आपको फिर से 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आप मुझे कमेंट में बताइए। चलिए, आपका टाइम समाप्त हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या है। तो राइट आंसर है उम्र, यानी एज। नंबर फाइव, वह क्या है जिसके पास एक आंख है फिर भी वह देख नहीं सकता? वह क्या है जिसके पास आईज है यानी आंख है फिर भी वह देख नहीं सकता? आप बताओ क्या है वो चीज? चलिए फिर से मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आप मुझे कमेंट में बताइए। चलिए, आपका टाइम हो गया है समाप्त। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सुई। जी हाँ, सुई की एक आंख होती है ना, पर वो देख नहीं सकता। तो चलिए, ये सब हो गई आज की पांच पहेलियाँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक क्वेश्चन तो देता जाऊँ। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा, वो है वह कौन सी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती तो है लेकिन अपनी जगह से हिलती नहीं है? वह कौन सी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती तो है पर अपनी जगह से हिलती रही है?
आप बताओ वो क्या चीज है। और मैं अपनी नेक्स्ट पहली वीडियो में ऐसे 50 लोगों के नाम दिखाऊंगा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे, वो भी जो सबसे पहले आंसर देंगे। तो चलिए आज के वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में, तब तक आप इस पहेली को सॉल्व करें। और हाँ, चीटिंग मत करना, ठीक है? और कोई भी इंटरनेट से जाके नहीं चेक करेगा कि इस पहेली का आंसर क्या है। और वोट करना बिल्कुल मत भूलना कि आपको ये वीडियो पसंद आई कि नहीं आई। Hope you're ready for the next episode.